गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पीरियड है हमारा लास्ट चैप्टर ईवीएस का, चैप्टर नंबर 14, वर्क मेड इजी। यस मींस काम को करने का तरीका हमें हमारे इस चैप्टर में, जो हमारा लास्ट चैप्टर है ईवीएस का, उसमें बताया गया है। ओके सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स फाइंड आउट। ओके फर्स्ट जो हमारे इसमें स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स दिए हुए हैं उसे हम क्लियर करेंगे कि क्या दिया गया है, क्या बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है। ओके वर्क सभी को पता होगा, व्हाट इज मीनिंग बाय वर्क। यस क्या कहा जाता है, वर्क करना मीन्स काम करना। ओके क्या कहा जाता है, अब काम करना, आप कहोगे कि मैम काम करना तो काफ़ी इजी है वर्क करना, बट इसी वर्क को मीन्स किसी भी टाइप के वर्क को हम डिफरेंट टाइप्स के वर्क में देख सकते हैं। मीन्स आप काम का वर्क को किस टाइप से जानते हो। यस वर्क करना मीन्स किसी भी टाइप का वर्क हो, छोटा हो या बड़ा हो, जैसे हमारे इसमें दिया हुआ है, एनीथिंग वी डू यूजिंग अवर बॉडी आर माइंड इज कॉल्ड वर्क। यस हमारी बॉडी, हमारा माइंड जो वर्क करता है, कौन सा वर्क करता है, हमारा माइंड, किसी भी बातों को सोचना। यस कोई भी वर्क करने के पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमारे दिमाग से उस काम को करने के लिए हमें रेडी करना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है कि हमें वो वर्क को करना है, चाहे वो वर्क कैसा हो। ओके वी डू वर्क टू गेट द रिजल्ट वी वॉन्ट। वर्क कैन बी सिंपल आर स्मॉल आर इट कैन बी बिग एंड डिफिकल्ट। यस क्या कहा जाता है कि काम को करने के लिए छोटा या बड़ा काम देखना नहीं होता, चाहे काम छोटा हो या डिफिकल्ट हो, मीन्स कठिन हो, काम तो काम होता है। जैसे फर्स्ट ऑफ प्रायोरिटी आपकी क्या है, आप अभी छोटे हो, बच्चे हो आप अभी, तो आपका काम क्या होगा, आपको प्रॉपर स्टडी करना है, ये भी आपके लिए काम कहलाएगा। ओके जब आप स्कूल से घर जाते हो तो आपको क्लास का वर्क स्कूल में कराया जाता है, देन होमवर्क घर के लिए दिया जाता है, तो वो भी एक क्या हुआ, वर्क। लास्ट में क्या यूज होता है, वर्क। तो ये जो वर्क वर्ड है ये हमारा क्या है, यस चैप्टर का नेम है। तो वर्क मीन्स काम, चाहे वो किसी भी तरह का हो, छोटा हो या बड़ा हो, सिंपल आसान हो या कठिन हो, तो ये क्या होगा, हमारा वर्क कहलाएगा। ओके मीनाज मदर मेकिंग चपातीज शी इज अ वर्किंग सो दैट मीना कैन गेट फूड। यस क्या है, मीना मदर मीन्स मीना जो है एक गर्ल बताई हुई है। ओके उनकी जो मम्मा है मेकिंग चपाती मीन्स क्या बना रही है, चपाती बना रही है, तो वो भी एक क्या है, यस वर्क है। खाना बनाना भी एक काम है। मान लो इन दैट केस कि यदि आपकी मम्मी खाना नहीं बनाएगी, आप वर्क नहीं करेगी, तो आपको प्रॉपर खाना मिल पाएगा, यस या नो, नहीं मिलेगा। आपको क्या रहना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा, और आप भूखा ना रहो इसीलिए मम्मा प्रॉपर काम आपके करती है। देखा होगा आपने अर्ली मॉर्निंग उठती है मम्मी, वो भी उनका काम है। फर्स्ट उनके जब उठती है तो सबसे पहले आपको स्कूल के लिए रेडी क्या करते हैं, आपका यस लंच बॉक्स रेडी करना पड़ता है, तो वो भी मम्मा का क्या होगा, वर्क कहलाएगा। मान लो आपको मम्मा टिफिन नहीं देगी, लंच बॉक्स नहीं देगी, तो आप स्कूल में आपको कैसे आना पड़ेगा, यह भूखा आना पड़ेगा। और साथ ही साथ यदि मम्मी खाना नहीं बनाएगी किचन में, तो आपको आपके डैडा आपके पापा को खाना मिलेगा क्या, यस नहीं मिलेगा। तो ये भी एक क्या है, वर्क है। किसके वर्क, एक मम्मा का वर्क बताया गया है, जिसमें क्या कर रही है मम्मा, यस चपाती बना रही है, तो ये भी क्या बताया गया, एक वर्क का वर्क बताया गया, मीन्स काम का तरीका बताया गया है। ओके नेक्स्ट अब हम देखेंगे, साहिल इज अ कैरिंग ऑल द शॉपिंग बैग्स सो दैट हिज ग्रैंड मदर कैन वॉक इजीली। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वर्क। यस क्या बताया गया है, साहिल एक बेटा, एक बॉय बताया गया है जो अपनी दादी की हेल्प करता है, किस इसमें, शॉपिंग बैग्स को उठाने में, बिकॉज उनकी जो ग्रैंड मदर है वो काफ़ी बूढ़ी है, उनसे ज़्यादा इजीली काम नहीं हो पाता, चलना नहीं हो पाता, इसीलिए वो अपनी दादी की क्या करता है, हेल्प करता है। तो दैट इज ऑल्सो वर्क, काइंड ऑफ वर्क मीन्स ये भी एक टाइप है काम करने का। ओके राजेश, यस ये हमारे पास पिक्चर दिख रहा है, हु इज दिस, यस द मैन ऑफ कौन, यस कौन है ये, पुलिस मैन, यस पुलिस मैन, क्या होता है पुलिस मैन का वर्क, राजेश, क्या नेम बताया गया है इनका, राजेश, राजेश इज द पुलिस मैन लुकिंग आफ्टर द सिटी
इज हिज वर्क। यस, क्या कहा गया है? राजेश एक पुलिस है जिसका काम क्या है? सारे शहर पे नजर रखना, कौन सी जगह पे क्या हो रहा है, यस, कोई प्रॉब्लम हो तो उस जगह की सारी चीजों को देखने का वर्क कौन करता है? यस, राजेश पुलिसमैन। ओके, तो ये भी एक टाइप क्या कहलाएगा? वर्क का टाइप कहलाएगा। नेक्स्ट है, हाउ इज वर्क डन? यस, हम काम कैसे कर सकते हैं? वी कैन डू वर्क ऑन अवर ओन बट फॉर मैनी थिंग्स वी नीड हेल्प फ्रॉम आउटसाइड अवर बॉडी हेल्प अस डू ऑल द वर्क दैट रिक्वायर्स लिफ्टिंग कैरिंग आर मूविंग थिंग्स अवर माइंड हेल्प अस टू थिंक एंड डू वर्क मेंटली। यस, क्या कहा गया है? काम करने का तरीका और सोच सबकी अलग अलग होती है, उनकी ज़रूरतें जो होती है वो अलग अलग होती है, इनसाइड आउटसाइड काम करने का टाइम अलग होता है। यस, क्या होता है? अवर बॉडी हेल्प अस टू डू ऑल द वर्क, मीन्स आपकी जो बॉडी है आपको इन सब चीज़ों को काम को पूरा करने के लिए काफ़ी हेल्प करती है। ओके, कैरिंग ऑन मूविंग थिंग्स मीन्स आपका जो दिमाग है वो इस काम को करने के लिए आपकी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपके माइंड जो है, जो दिमाग कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, वो हमारे बॉडी का मेन पार्ट है। मान लो आपको यदि आपका ब्रेन कभी किसी से प्रॉब्लम हुआ तो आप क्या करोगे? आप ज़्यादा अपने आप में सोच नहीं पाओगे, आप कोई काम नहीं कर पाओगे। तो क्या कहा जाता है कि अवर माइंड हेल्प अस टू थिंक एंड डू वर्क मेंटली, मीन्स आपका जो दिमाग है वो आपको हेल्प करता है सोचने के लिए और काम को करने के लिए। इसीलिए कहते हैं कि मेंटली हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए, दिमाग से हमेशा तैयार रहना चाहिए किसी भी काम को पूरा करने के लिए। वी कैन डू सर्च अ वर्क विदाउट एनी हेल्प बट मैनी थिंग्स अराउंड अस हेल्प अस डू सिंपल वर्क इजीली। वी कैन डू सच मीन्स आपको किसी भी काम को करने के लिए हमेशा क्या रहना चाहिए, मैंने जैसे बताया आपको कि तैयार रहना चाहिए कि आपको आपकी खुद की मदद आप खुद कर सको। ओके, आसानी से कर सको, तो इसके लिए क्या रहना होगा आपको? हमेशा दिमाग से यस तैयार रहना होगा कि आपको कौन सा समय कौन सा काम आ जाए और उसे आप पूरा कर सको। तो ये भी एक क्या बताया गया, टाइप बताया गया हमारे वर्क का। ओके, लेट्स ट्राई। जो वन है वो तो मैं आपको सेंड करूंगी। ओके, बाद में है टॉपिक हमारा मशीन। ओके, बट चलो ठीक है, हम थोड़ा सा इसका पार्ट देख लेते हैं मशीन्स का। मशीन्स, हाँ ओके। अब इसके पहले हमने क्या देखा था? वर्क देखा था, ओन हमारा मीन्स हमारे दिमाग से किया गया काम जो हम सोचते हैं उसे करने के लिए हमारी बॉडी हमें हेल्प करती है, हमारा माइंड हमें हेल्प करता है। ओके, तो वो एक वर्क हो गया। अब मशीन्स का हम देखेंगे। अब है हमारे पास मशीन्स, नेक्स्ट टॉपिक है। ए मशीन इज एनीथिंग दैट मेक अवर वर्क इजी। मशीन भी हमारे ऐसे कई कामों को इजी कर देता है। दैट मीन्स देयर आर वेरियस काइंड ऑफ वर्क दैट आर डिफिकल्ट फॉर अस टू डू अलोन। फॉर सच अ वर्क वी टेक द हेल्प ऑफ मशीन्स। इफ वी वॉन्ट टू ड्रिंक कूल वाटर वी चिल्ड इट इन अ रेफ्रिजरेटर। यस, क्या बताया गया है कि अब तक हम हमारे दिमाग से काम करते थे बट अब हम मशीन देख रहे हैं, तो ऐसी मशीन्स हम यूज़ करते हैं जिससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती, काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है। जैसे कि वेरियस टाइप होता है उसका, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, आप सबके घर में होगा, देखा होगा आपने कि आपको कोई भी चीज़ उसमें रखना हो तो आप उसको बड़े सेफली आसानी से आपकी फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। ऑल वेजिटेबल्स सभी को पसंद हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में जब हम वेजिटेबल्स को लेकर आते हैं तो हम उसे स्टोर कहाँ करके रख सकते हैं? फ्रीज में कर सकते हैं। जैसे गर्मी का समर वेकेशन जब स्टार्ट होता है तो हमें ठंडा पानी पीने की काफ़ी इच्छा होती है, गर्मी लगती है, तो उस गर्मी से राहत पाने के लिए हमें क्या करना होता है? यस, ठंडा पानी पीने का जब मन होता है तो हम फ्रीज का यूज़ करके उसमें पानी को रख कर ठंडा होने के बाद पीते हैं। तो वो भी किसका यूज़ किया जाता है? यस, उसमें मशीन का यूज़ किया जाता है। ओके, सेकेंड नेक्स्ट है लिफ्ट।
ए लिफ्ट हेल्प अस गेट टू डिफरेंट फ्लोर इन अ बिल्डिंग वेरी क्विकली एंड इजीली. यस, लिफ्ट का यूज आपने देखा होगा. लिफ्ट देखी आप सभी ने? यस या नो? यस, देखा होगा. हॉस्पिटल में लिफ्ट का यूज होता है, बड़े बड़े मॉल्स में लिफ्ट का यूज होता है, काफ़ी जगह ऑफिस में लिफ्ट का यूज़ किया जाता है. तो क्यों किया जाता है? कम समय में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर पे जाने के लिए हम सीढ़ियों का यूज़ ना करते हुए हम लिफ्ट का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, काफ़ी जल्दी, मीन्स वेरी क्विकली, बहुत जल्दी हम अपने समय से पहले वहाँ पर पहुँच सकते हैं. तो ये भी एक क्या है, मशीन का यूज़ कहलाता है. कार, कार तो सारे बच्चों ने देखी होगी, ऑब्वियस है. ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसने किसी ने नहीं देखी होगी, बैठे भी होंगे. तो क्या है, ए कार टेक अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम कार का यूज़ करते हैं. कार का हो गया टू व्हीलर, फोर व्हीलर, जो भी हो हम उसका यूज़ करते हैं. ओके, सो लेट्स ट्राई. टू है, ये भी मैं आपको सेंड करूँगी. एंड नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाई डू वी नीड मशीन्स. हमें मशीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो ये हम क्या देखेंगे, हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम इसे क्लियर करेंगे. ओके, आज के लिए बस इतना ही होगा.